चल अभी वन वेलकम बैक टू क्विक कार बुरा डेली। आज हमारे पास आई है न्यू क्रेटा, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके बम्पर में कुछ पार्ट्स को हो पियानो फिनिश में किया है। इसकी हेडलाइट्स के सारे पार्ट जो डल फिनिश में थे वो पियानो फिनिश में किए हैं। ग्रिल जो थी इसकी और पहले ही मॉडल के अंदर जो है वो ग्लॉसी फिनिश में आई हुई थी, अलॉयज इसके ग्लॉसी फिनिश में आए हुए थे। तो हमने ये सारी मोल्डिंग्स भी, साइड के रनिंग बोर्ड मोल्डिंग्स भी सारी जो है वो भी हमने इसके अंदर पियानो फिनिश में की हैं। और हम इसके जो बैक पार्ट पे चलते हैं, बैक बम्पर के अंदर भी जितना पार्ट है वो भी हमने इसके अंदर पियानो फिनिश में किया है। साथ में हमने इसके अंदर जो साइड की, इस साइड की भी मोल्डिंग्स हैं वो भी सारी रनिंग बोर्ड से लेके हम सारी जो है पियानो फिनिश में। अंदर के जो डोर्स के पार्ट हैं और विंडो के पीछे उसके साइड पार्ट होता है उसको हमने पियानो फिनिश किया है। बाकी इंटीरियर में जो है फिनिश पहले ऑलरेडी आया हुआ था। फिनिश कंप्लीट होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल लुक कैसी आ रही है। डेटा हमारी रेडी हो गई है, तो हमने इसका जो नीचे का सारा पार्ट है वो पियानो फिनिश के अंदर ब्लैक पार्ट में कर दिया है। जो क्रोम पार्ट था वो वैसे ही रहने दिया, बाकी जो है सारा ब्लैक फिनिश हमने ग्लॉसी फिनिश में किया है। ये सारी मोल्डिंग्स को, रनिंग रनर को, नीचे के रनर बोर्ड को भी सारा हमने पियानो फिनिश में कर दिया है। पूरा फिनिश आप देख सकते हैं, लुक बहुत ही सुंदर आ रही है ब्लैक पार्ट की। टाइप की सारी हमारी साइड की मोल्डिंग्स भी जो है पियानो फिनिश में हो गई है। ऑल ओवर गाड़ी की जो ग्रेस है वो पियानो फिनिश के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन की बहुत ही अमेजिंग आ रही है, क्योंकि अलॉयज जो है ग्लॉसी फिनिश ऑलरेडी आ रहे थे। भी देखें पूरे इसके अंदर, साथ में हमने इसके अंदर मैट्रिक्स लाइट भी इंस्टॉल कर दी है। बैक पंप पर भी हमने इसका पूरा ग्लॉसी कर दिया, क्रोम पार्ट को वही रहने दिया। टर्न में सेंटर पार्ट जो था वो सारा पियानो फिनिश में आ रहा था, तो हमने ये डोर पैनल्स के ऊपर भी सारा जो है पियानो फिनिश में कर दिया। देखें तो बैक डोर में सारे पीसेस जो है पियानो फिनिश के अंदर कर दिए।